आप देखिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार 6000 रुपये किसानों के लिए भेजती है, महाराष्ट्र सरकार उसमें 6000 रुपया और मिलाती है। महाराष्ट्र के किसानों को अब 12000 रुपया सालाना मिल रहा है। फसलों के नुकसान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े इसके लिए हमने 1 रुपये में फसल बीमा देना शुरू किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी 0 कर दिया है। इस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जिसने सारे कामों पर ब्रेक लगा दिया। इस सरकार ने फिर से सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट को गति दी है। इस क्षेत्र में करीब 85000 करोड़ रुपए की लागत से पैनगंगा नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलढाणा इन 6 जिलों में 10 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है। प्याज पर एक्सपोर्ट टैक्स 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। खाद्य तेलों का जो आयात होता है उस पर हमने 20% टैक्स लगा दिया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है। इसका बहुत फायदा हमारे सोयाबीन उगाने वाले किसानों को होगा। जल्द ही इन सब प्रयासों के परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक सावधानी भी बरतनी होगी। जिस कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुंचाया, बर्बाद किया, हमें उन्हें फिर मौका नहीं देना है। क्योंकि कांग्रेस का एक ही मतलब है, झूठ, धोखा और बेईमानी। इन्होंने तेलंगाना में चुनाव के समय किसानों से लोन माफी जैसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो किसान लोन माफी के लिए भटक रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में हमें इनकी धोखेबाजी से बचकर रहना है। साथियों, आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना,
भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है, आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है, कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। महाराष्ट्र गणपति की आराधना करीत होता आणि कर्नाटकात गणपति की मूर्ति पुलिस वैन मध्ये होती। साथियों, पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है, उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। हम महाराष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस महत्वपूर्ण योजनाओं को आपने जो उसकी ताकत को समझा है, इन योजनाओं का विदर्भ के जीवन पर, हिंदुस्तान के सामान्य व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव होना है, ये आपकी विधान सभा के कारण मैं इसे महसूस कर रहा हूं। मैं एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को, विदर्भ के और महाराष्ट्र के सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में मौजूद और यहां पर विश्वकर्मा कार्यक्रम में मौजूद थे और लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन यहां पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं
ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए